इससे पहले हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ 34 पॉइंट एक ही मैच में कमा चुके हैं. 9 नंबर की जर्सी, 9 रेड पॉइंट दूर, 900 रेड पॉइंट से 9 का आंकड़ा. आज प्रदीप पर सारे देश की निगाहें हैं क्योंकि प्रो कबड्डी का एक नायाब इतिहास लिखने जा रहे हैं प्रदीप करवाल आज के इस मुकाबले में. पटना पायरेट्स, विकास कंडोला ने बहुत ही बढ़िया मोनू को अटेम्प्ट किया. मोनू के सामने से तिरछे होकर के गुजरे, मोनू ने डाइव किया, मोनू बाहर चले. बिल्कुल लेफ्ट में थोड़ा सा परेशानी महसूस कर रहे हैं प्रदीप करवाल, लेकिन ये देखिए टैकल हो गए. किसने काम किया? बढ़िया चेरलाथन, हरियाणा स्टीलर्स. और फिर से वही चेक कुंडली को देख लीजिए. कुल मिलाकर 5 रेड पॉइंट्स हैं, एक से भी कम का औसत है और वो औसत और कमजोर होगा क्योंकि इस रेड में चेक कुंडली को बाहर जाना होगा. पटना पायरेट्स ऑल आउट के नजदीक पहुंच रहे हैं. क्या इसी रेड में ये काम हो जाएगा? विकास कंडोला ने ये काम कर दिया. ये हरियाणा स्टीलर्स के लिए टू और डाई रेड. विनय रेड पर डिपा, कितना बड़ा रेड है ये, कितने पॉइंट्स है दादा, गिनती हो रही है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये सुपर रेड होनी चाहिए. विनय की पट्टा पायरेट्स को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है. 17-9 पहला हाफ पूरी तरह से, क्या आप कहेंगे कि हरियाणा स्टीलर्स के नाम रहा दादा? बिल्कुल, पटना पायरेट्स अपने ही होम लेग में लगातार तीसरे मुकाबले में दबाव में दिखाई दे रहे हैं. विकास कंडोला एक पर, विकास कंडोला सुपर टैकल सिचुएशंस में नॉर्मली काफी अच्छा खेल रहे हैं. दोनों कॉर्नर्स को एक तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं. क्या ये दोनों खिलाड़ी, क्या ये सुपर साफ है पटना पायरेट्स का? बिल्कुल, हरियाणा स्टीलर्स अपने धड़कते दिलों को राहत दीजिए. प्रदीप परवान ने एक नया इतिहास लिख दिया है. प्रो कबड्डी के इतिहास में 900 रेड पॉइंट बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं प्रदीप परवाल. अद्भुत प्रदर्शन किया है प्रो कबड्डी के दौरान. आगे आने वाली जनरेशंस को बताएंगे कि प्रदीप परवाल ने जब 900 रेड पॉइंट्स बनाए थे मैं उस समय मैदान पर था. और ये देखिए प्रदीप परवाल सुपर टैकल हो गए. अगर रिवाइव नहीं करा पाए किसी प्लेयर को तो इस रेट पे ही आउट हो जाएंगे और ये स्कोर हो जाएगा 25-32. यहां एक दूसरे के साथ मजे ले रहे हैं, नूरा कुश्ती कर रहे हैं, उनको पता है कि डिफेंडर को बाहर जाना होगा. ऑल आउट के साथ ही मैच ओवर. और इसके साथ ही इस मुकाबले को हरियाणा स्टीलर्स ने 35-26 से जीत लिया, यानी कि कुल मिलाकर 9 पॉइंट के फास्ट प्ले से ये दूसरी जीत है हरियाणा स्टीलर्स की सीजन 7 में.